हेडलाइन न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा हमारा। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा का हवन के साथ हुआ समापन। प्रयागराज हटिया सैदाबाद विकासखंड ग्राम सभा कपटिया में वरिष्ठ भाजपा नेता विद्याकांत सावरेलाल तिवारी के आवास पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का समापन मंगलवार को किया गया। कथा का समाप्ति कर विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात प्रसाद का भी वितरण कराया गया, जहाँ पर भक्तों ने जमकर प्रसाद का आनंद लिया। स्वामी हरिहरन जी महाराज द्वारा भक्तों का मनोहारी कथा प्रवचन सुनाया गया। कथा सुनकर भक्तगण भाव विभोर उठे। भजन भज धातु से बनी हुई है। किससे बनी है? भज धातु से बनी है। भज धातु का अर्थ समझते हैं? भज धातु का अर्थ है जब तृण से रस्सी तैयार की जाती है तो उसको रस्सी बनाने के बाद उसको भाजा जाता है, अब भाज करके तब उसकी रस्सी बनाई जाती है, अब तब उससे पानी निकालने का काम अथवा गाड़ी खींचने का काम किया जाता है। ये है भज। भजन का अर्थ समझ लीजिए। भजन क्या है? हाँ, भजन ये नहीं कि खूब चिल्लाओ बढ़िया, इससे कुछ मतलब नहीं। दिन भर किसी का जेबा काटो और संध्या भजन करो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसा कुछ नहीं। भजन क्या है? भजन होता है भगवान के वास्तविक गुणों को, भगवान के वास्तविक आदर्शों को, भगवान के वास्तविक समस्त जिन्होंने कर्तव्यों को करके आर्यावर्त में दिखाने का काम किया, उसको अपने अंदर उतारने का काम करिए और अपने अंदर उतार करके उसको भाजिए, रस्सी की तरह भाजने का काम करिए। हाँ, कठिन काम है। हाथ में जो है इस रस्सी को भाजते भाजते हाथों में जो है खट्टे पड़ सकते हैं, लेकिन भाजते जाइए भजन है। और जब भजन किसी दिन पूरा हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जिसके लिए हम मर रहे हैं, पांचवें महीने में छठवें महीने में जीव पहुंच करके क्या करता है? प्रभु अब मुझे निकाल लेंगे। क्योंकि जब माता कभी मर्चा मसाला का प्रयोग करती है, अगर गर्भ में बालक है और पांचवें महीने के बाद अगर माता गर्म चीजें और कड़वी चीजों को खाना प्रारंभ करती है तो उस बालक को घोर ताप पहुंचता है और वह बालक अंदर ही अंदर भगवान का ध्यान करता है। ये जानते हैं, ये दारुण गर्भ का जो गर्भ की जो व्यवस्था है उसको ऐसे सरल दुख मत समझिएगा। ये दारुण दुख है। कैसे? वहीं पर आयोजक विद्याकांत सावरेलाल तिवारी ने सभी भक्तों का प्रति आभार जताया। चौदह से आए प्रभाकर शुक्ला ने उद्बोधन एवं भजन गाकर भक्तों का भाव विभोर कर दिया। भजन के दौरान महिलाएं पुरुष झूमते नजर आए।
होता है। अरे भाई साहब, ये तो सामाजिक दर्शन जी। कोई अतिथि हमारे पास 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कथा सुनने आया है, तो मैं कथा करा रहा हूँ। हमारा परम कर्तव्य होता है कि कथा के बाद प्रसाद का वितरण जरूर होना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, जिससे जनता को ये संदेश भगवान के प्रसाद को पा करके जनता तृप्त होती है और पब्लिक के मन में एक भावना आती है कि मैं भगवान का प्रसाद खा के जा रहा हूँ, परमात्मा हमारा फलक है। कथा भागवत कथा कराने का उद्देश्य आपका क्या था? सर्वे जना सुखिना भवन्ति, सर्वे संत। हमारी भावना ऐसी बनी कि समाज के अंदर में जितनी कुरीतियां हैं, इस तरह से अगर कथा होती रहेगी, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, अगर अच्छे अच्छी बातें समाज के अंदर जाएंगी और वो समाज उसको अपने कर्मों और कर्तव्यों में परिणित करेगी, तो समाज सुधरेगी, देश सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, हमारी मानवता भी सुधरेगी। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से विनोद पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा।